गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी भी मॉर्निंग हो चुकी है और सबसे पहले काम होता है गर्म पानी पीना। तो मैं हूँ, चाहे मेरे घर में जितने मेंबर हैं ना, सब लोगों की एक अच्छी आदत पड़ चुकी है कि अब सब लोग गर्म पानी पीते हैं। तो होता है ना, देख देख के ही आदमी सीखता है, बताता है तो उसको समझता है, तभी वो आदत पड़ती है। तो फिलहाल ना बहुत अच्छे से आदत हो गई है सबकी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल, हस्बैंड को भी जाना है। तो सब्जी को मैं छौंक दे रही हूँ और साथ में बाकी और जो काम थे ना मेरे, जो सवेरे के होते हैं मोस्टली हम लेडीज़ के, वो काम मेरे हो चुके हैं। और करने के बाद यहाँ पर टिफ़िन भी बनाना सबसे पहला काम होता है। दूसरा तो जो है उन्हीं के उसके लिए सब्जी छौंक रही हूँ। तो और अभी इस टाइम ना कद्दू वगैरह का सीज़न चल रहा है, और कद्दू की सब्जी और साथ में पूरी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और मेरे यहाँ इवन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर नाश्ते में कद्दू की पूरी सब्जी और पूरी मिल जाए ना, तो दिन बन जाता है, और साथ में दही। तो बस उसी के लिए ना मैं यहाँ टिफ़िन के लिए बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो यहाँ ना जो छौंक लगाना होता है लगा चुकी हूँ। कद्दू वगैरह मैंने रात में ही काट दिए थे, क्योंकि हमें ना एक दिन सुबह की जो प्रिपरेशन होती है वो अगर पिछली रात को ही करना रहता है, तब जाके सुबह टाइम से नाश्ता वगैरह हो पाता है। और साथ में कुछ अपने लिए भी कुछ एक्टिविटी करनी होती है, तो इन सब के सोचते हुए ये सब काम कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने जो है काट के रख दिया है टमाटर, और ये सब है। और आज ये वाली दाल बनेगी। और आप बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोग इस दाल को पहचानते हैं, और जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस दाल को पहचानते हैं। तो मैं तब बताऊंगी कि मैंने कौन सी दाल बनाई है। फ़िलहाल मेरी सब्जी बन चुकी है और दाल वगैरह रखी हुई है। तो मैं भी आ गई हूँ नहा वहा के, अपने पूजा पाठ करके, अपना जो है बाकी के और काम निपटाने के लिए। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और काम भी उतने ही ज़्यादा है। तो ये सब आप सामान देख रहे हो ना, फैला हुआ सामान पूरा। तो ये ग्रॉसरी है पूरे मंथ की, तो ये सब आई है। और अभी सबको मैंने लिस्ट से चेक करना कि जो जो लिस्ट में दिया था उतना है कि नहीं, उतनी क्वान्टिटी में है कि नहीं है, उसके बाद में सबको सेट करना होता है। और ये सबसे बड़ा टास्क है हर महीने की शुरुआत का, जो एक हफ्ता होता है ना, समझ लीजिए कि हर चीज़ का, चाहे वो गेहूं चावल आटा दाल मसाले सब चीज़ों का ना, पूरा एक हफ्ता चला जाता है एक महीने के तैयारी में। तो सबका यही हाल होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाइएगा, चैनल को विज़िट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए तो भाई एक कमेंट भी कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल मैं ग्रॉसरी वगैरह को रख लेती हूँ। चलिए जी, आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में चटनी, आम की चटनी, क्योंकि अब अमियाँ का टाइम है, कच्ची अमियाँ बहुत ज़्यादा, कच्ची कैरी जो है ना वो जो है अभी तो मिलना शुरू हो चुका है। और उसके लिए जो है, और इस सीज़न में ही अचार तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में चटनी खाने का जो मज़ा है ना, वो पूरे साल नहीं दोबारा मिलने वाला है। तो यहाँ मैंने लिया है कच्ची अमियाँ, हम लोग कच्ची अमियाँ बोलते हैं, कच्चा आम भी बोल सकते हैं,
कचकेरी भी बोलते हैं बहुत लोग, साथ में पुदीना, लहसुन, मिर्ची और नमक, और सबको ले लिया है। और लेने के बाद में आज से मैं सिल में पीस रही हूँ। मैं इसको मिक्सी में भी पीस सकती थी ऐसा नहीं है, लेकिन सिल का जो स्वाद होता है ना वो अलग ही टेस्ट आता है। थोड़ी मेहनत लगती ज़रूर है लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो और जो मैंने दाल बनाई है और साथ में कद्दू की सब्जी है ना, तो उसके साथ आम की चटनी, आम पुदीने की चटनी ना बहुत मज़ा आता है खाने में। तो मेरे यहाँ ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और चटनी तो इस सीज़न में मज़ा ही मज़ा है। तो फ़िलहाल आज की चटनी सिल पर पीसते हुए, तो चटनी हमारी पिस चुकी है और पिसने के बाद में और साथ में आती हूँ मैं, इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा सरसों तेल, कच्चा सरसों तेल 1 चम्मच ऐड कर दीजिए। तो उससे ना इसका फ्लेवर और ज़्यादा जो है मतलब अच्छा हो जाता है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल चटनी उठा ले रही हूँ, उसके बाद में सिल साफ कर दूँगी, उसके बाद में तब जाके खाना निकालूँगी। तो आज ना बहुत दिन का जितना भी शेड्यूल था ना बहुत ज़्यादा बिजी था, मतलब सवेरे से ही क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह रखा और उसके बाद में इतना टेस्टी खाना खाया तो मज़ा आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब ना बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं और सब कुछ जो था सबको सेट कर दिया है, और उसके बाद हालत आप देख सकते हो मेरी शक्ल देखते ही। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ रेस्ट करने, और अभी मैं कुछ नहीं करने वाली। सुबह से काम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, मतलब पूरा ग्रॉसरी वगैरह रखा सब कुछ। और ये देखो भाई ये बच्चा है, पियो पियो पानी, और पानी सच में बहुत, जितना ज़्यादा पियो उतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है और गर्मी धूप बहुत तेज़ है। फिलहाल मैं जाती हूँ रेस्ट करने के लिए, मिलती हूँ शाम को आप लोगों के साथ। और आज का ब्लॉग ना पूरा सुबह से लेकर के शाम तक का होने वाला है, तो वॉच करते रहिएगा। तो ये है हमारा टी टाइम, शाम हो चुकी है। तो फिलहाल ना थकावट को दूर करते हुए थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद शाम को फिर से अपने कामों पे लगना है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ही। तो यहाँ मैंने बनाए हैं पोहा और मूंगफली, दोनों को रोस्ट किया है, और जो चिवड़ा होता है उसे, और साथ में चाय। उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। लेकिन उससे पहले ना मेरा ये जो प्यारा सा मनी प्लांट है, मैं इसको सही कर दूँ, तो पानी वानी डाल दूँ। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि आप कहीं भी पानी वगैरह तो सूख ही जाता है ना, तो इसी तरह से इन जो जार है ना इसमें का भी पानी सूख रहा था। तो मैंने इसमें ताज़ा ठंडा ठंडा पानी भर दिया है और फिर से वापस प्लांट को लगा देंगे। तो भाई आज का ब्लॉग ना बस यहीं तक है। अगर आपको ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगा हो तो भाई तो भी, और ना अच्छा लगा हो तो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई टेस्टी बनाऊंगी, वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल ना अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं करने को, और हर चीज़ को कैच करना, हर की चीज़ को वीडियो में दिखाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना भी होता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ अपनी लाइफस्टाइल को शेयर करने की। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई शाम हो चुकी है, थोड़ा सा घूम के आऊँगी और उसके बाद, और अभी दिखाऊँ मैं, अभी टाइम दिखाऊँ तो टाइम देख लीजिए कितना बज रहा है। तो अब खाने की तैयारी भी करनी है, तो मैं चलती हूँ, आप मुझे ज़रूर वॉच करिएगा। बाय बाय।